हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति, पीएचडी स्कॉलर इन आईआईटी बॉम्बे। तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और यहाँ पे प्लेलिस्ट दी हुई है, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से आप वीडियोस देख सकते हो। तो इस चैनल में हम पीएचडी के एडमिशन के बारे में जानकारी देते हैं, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको जो भी पीएचडी में एप्लीकेशन करनी है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसर पुणे के बारे में। तो आईसर पुणे की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एजुकेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन में आप जा सकते हो। एडमिशन के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम ऐसे दो, और यहाँ पे एक्सटर्नली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम और इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, तो वो सिर्फ बायोलॉजी में अभी तक इन्वाइट किए गए हैं। और फिर है पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी बायोलॉजी के बारे में एप्लीकेशन का वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है, तो अभी हम केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो मार्च 10 से स्टार्ट होने वाली है, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो 31 मार्च है। और डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर जो भी फील्ड्स आते हैं उसमें जो भी वर्क कर रहे हैं वो सारे लोगों की जानकारी यहाँ पे डिटेल में दिए हुए है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनके अंडर जो भी ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस, केमिकल बायोलॉजी, ये जो स्पेशलाइजेशन एरिया है उनके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे भी उनकी डिटेल्स दिए हुए है। और फिर है फिजिकल केमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंटल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर में ये है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 55% रिलैक्सेशन है एसटीएसटी कैंडिडेट के लिए। और कैंडिडेट विद इंटीग्रेटेड बीएसएमएस डिग्री जो होगा, या भी बीई, बीटेक, बी फॉर्म, एमटेक, वो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। फिर यहाँ पे और एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि आपका नेशनल लेवल कोई भी एग्जाम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीएसआईआर जेआरएफ हो या यूजीसी जेआरएफ हो, या फिर इंस्पायर्ड पीएचडी फेलोशिप हो या फिर गेट, ये सब चीज हो, तो ये सब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपको इसके लिए आपका जो फेलोशिप वगैरह मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, जो 31,000 फर्स्ट 2 ईयर है और 35,000 लास्ट 2 ईयर के लिए। एप्लीकेशन करने के लिए आप सारी जानकारी डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अभी तक डाटा साइंस के लिए और ये अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इनके लिए एप्लीकेशन अभी तक इनवाइट नहीं किए गए हैं। जब भी इनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे मैं आपको जानकारी दे दूंगी। तो अभी तक के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। बायोलॉजी के एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 20 फरवरी है कल तक के, तो कल से पहले आपको एप्लीकेशन करनी है। और केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन 10 मार्च को स्टार्ट होने वाली है, तो तब आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।